आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। विराट कोहली के नेतृत्व वाली भारतीय टीम 30 मई से इंग्लैंड में शुरू होने वाले क्रिकेट के महाकुंभ में तीसरी बार विश्व कप जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगाएगी। 15 सदस्य वाली भारतीय टीम में जिंद के रहने वाले यजुवेंद्र चहल भी शामिल है। 28 वर्षीय यजुवेंद्र चहल अब तक 41 वनडे मैच में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और उन्होंने 72 विकेट अपने नाम किए हैं। पिछले दिनों चहल ने जिस तरह से इंग्लैंड में प्रदर्शन किया था उसे देखकर लग रहा था कि उनका वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में स्थान पक्का है। ये तो 4 साल का ही लग गया था, तो छोटा सा जब जाने लगा था उसके मन में गई थी। अब तो ये कर रहे हैं, वर्ल्ड कप जीत के आए और इंडिया का नाम रोशन करें, खुश था, हम भी खुश हैं, मतलब वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे। परिवार में रिश्तेदारों को पता लग रहा है, वहाँ से फोन आ रहे हैं और हमारे लोग लेके आ रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, सब ये चाहते हैं वर्ल्ड कप में जाए अच्छे से खेल के, खुशी थी। वर्ल्ड कप टीम में चयन होने से यजुवेंद्र चहल के आवास पर खुशी का माहौल है। इस मौके पर विजेंद्र चहल की माता सुनीता देवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनका सपना था कि उनका बेटा वर्ल्ड कप में भारत के लिए खेले, आज वह सपना पूरा हो गया। अब उन्हें उम्मीद है कि उनका बेटा वर्ल्ड कप जीत कर जरूर लौटेगा। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए जिंद से राजेश रावल की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।